हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और आज हम करने जा रहे हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस टॉपिक के पहले हम लोगों ने पिछले वीडियोस में, अगर आपने देखा होगा तो आपने ऑलरेडी चेक कर लिया होगा, क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। ओके ठीक, तो आज हम सीखेंगे बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है इसमें क्या क्या बैरियर्स होते हैं, इसमें क्या क्या बाधाएँ आती हैं जो हमें क्रॉस करनी पड़ती हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो बैरियर होते हैं वो बेसिकली चार टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या है, फिजिकल और इन्वायरमेंटल बैरियर। ठीक, दूसरा क्या, सेमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। तीसरा साइकोलॉजिकल बैरियर। चौथा क्रॉस कल्चर बैरियर। ठीक, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हर एक टाइप के बैरियर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक, चलो शुरू करते हैं। अब देखो, साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल बैरियर्स, फिजिकल और इन्वायरमेंटल बैरियर। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर क्या होते हैं, ऐसे बैरियर जो आपके फिजिकल डिस्टेंस की वजह से या फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से आ रहे हो। ठीक, या फिर आपके बैरियर जो कि इन्वायरमेंट की वजह से क्रिएट हो रहे हो वहां पे, वो क्या कहलाते हैं, फिजिकल और इन्वायरमेंटल बैरियर। ठीक, पहली चीज़ है कि नॉइस कैसे आता है। ठीक, नॉइस का मतलब देखो क्या होता है कि जब भाई मान लो हम लोग एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है, और मान लो बात कर रहा हो तो बैकग्राउंड में ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, कोई हॉर्न बजा रहा है, गाड़ी चला रही है, कोई बुलेट चला रहा है, कोई भाई पता चला म्यूजिक ही बजा रहा है, या कहीं ट्रेन का हॉर्न सुनाई पड़ रहा है। तो इस तरह क्या होता है, एक आदमी तो अपनी बात को दूसरे तक नहीं पहुंचा पाता, यानी कि जो आपका सेंडर होता है वो रिसीवर तक अपनी बात क्लियरली नहीं पहुंचा पाता, और जब बात क्लियरली नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो एक तरीके का यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट कर देगा, किसने, नॉइस ने एक बैरियर क्रिएट कर दिया। अब अगला है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये बात तब की चल रही है जब आपके बहुत ज़्यादा मोबाइल टेक्नोलॉजी विकसित डेवलप नहीं थी, तो तब क्या होता, तो भाई मान लो मैंने इंडिया से कॉल करा और मैंने कॉल करा यूएसए, तो पता चला यहाँ पे सुबह के 7 बज रहे हैं और वहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं। ठीक, तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं दूसरे से तो टाइम और डेट सही हो। पता चला यहाँ पे 7 तारीख थी और वहाँ 8 तारीख थी। ठीक, तो टाइम और डिस्टेंस की वजह से क्या होता है, कई बार चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये टाइम और डिस्टेंस एक हमारा बैरियर का काम ना करे, और हम लोग अपनी जो बात है, हम लोगों का जो मैसेज है वो हम लोग इजिली पहुंचा सके अपने रिसीवर तक। ठीक, एज अ सेंडर जो है, हम जो मैसेज भेजना चाहते हैं वो रिसीवर तक पहुंच जाए। ठीक, अब डिफेक्ट इन कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे सपोज करो आजकल हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं, आपके व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं या कॉल करते हैं नॉर्मल, तो तब क्या होता है, मान लो इस तरह की मोबाइल में कोई आपका टेक्निकल इशू आ जाए, भाई मोबाइल में रेंज नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे ये रेंज नहीं आ रही है मोबाइल में, या व्हाट्सएप मॉल फंक्शन कर रहा है, पता चला आप मैसेज किसी को भेज रहे हो और जा किसी और को रहा है। ठीक, या हो सकता है जो आदमी सुन रहा हो उसके स्पीकर ही ठीक से काम ना कर रहा हो, उसको कुछ सुना ही ना पड़ रहा हो, पॉसिबल है। तो डिफेक्ट कई बार कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। अब बारी आती है रॉन्ग सेलेक्शन ऑफ मीडियम। मीडियम क्या होता है, जिस मीडियम से हम अपना मैसेज जो है रिसीवर तक पहुंचाते, सेंडर जो अपना मैसेज जिस मीडियम के थ्रू रिसीवर तक पहुंचाता है, कई बार हम मीडियम गलत चूज़ कर लेते हैं। मीडियम गलत कैसे चूज़ होंगे, मीडियम गलत ऐसे चूज़ होंगे, मान लो हमें बात करनी थी किसी ऑफिशियल बंदे से। ठीक है, तो उसने क्या बोला था, मेरे को मेल ही करोगे तुम, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज मत ड्रॉप करो। हम क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज डालना है उसको, तो क्या वो रिप्लाई करेगा, नहीं करेगा। क्यों, वो कहेगा मेरे को ईमेल भेजो और मैं आपको आगे बात करूँगा। ठीक, तो इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो मीडियम है वो सही होना चाहिए। डन, ओके। अब आ जाता है सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। ठीक, सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर क्या होता है आपका, ऐसे बैरियर्स होते हैं जो कि आपकी कुछ पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन की वजह से या पिच की वजह से या ग्रामर या लिंग्विस्टिक एरर्स की वजह से क्रिएट हो जाते हैं। अब आसान शब्दों में थोड़ा समझ लो, ये तो होगा बड़े बड़े शब्द जो आपको याद रखने पड़ेंगे। आसान शब्दों में क्या होता है, देखो जार्गन और अनफेमिलियर टर्मिनोलॉजी। देखो जैसे मान लो हम लोग जो भी अपने सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कुछ पर्टिकुलर जार्गन्स होंगे, कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज होंगी। जैसे भाई मान लो
मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो मार्केटिंग में आपका क्या आता है, 4 P's आ जाते हैं, ठीक है। तो 4 P's हम नॉर्मल आदमी को तो पता नहीं होगा ये भाई 4 P क्या है, वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा, नहीं पता नहीं साले ने क्या बोल दिया 4 P's, ठीक। तो इससे बेटर है कि हम लोग जार्गन और टेक्नोलॉजिकल जो टर्म्स हैं उनका यूज़ कम से कम करें, और जो फैमिलियर वर्ड्स हैं नॉर्मल लैंग्वेज में उस चीज़ का यूज़ करें। अब बात आती है डिफरेंट इन लैंग्वेज। देखो हिंदुस्तान में एक कहावत है, कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे वाणी, ठीक। वाणी यानी कि भाषा, ठीक, यानी कि हर चार कोस यानी कि लगभग लगभग 8 किलोमीटर, और 9 किलोमीटर पे क्या हो जाता है आपकी, या 10 किलोमीटर राउंड फिगर मान लो, 10 किलोमीटर में क्या होता है आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब जैसे यूपी में नॉर्मली क्या होता है आपके तू तड़ाक थोड़ा बहुत भी नहीं चलता है, यहाँ पे क्या लोग इसको पर्सनली आपके इंसल्ट में ले लेते हैं, और यही चीज़ महाराष्ट्र में एज अ फ्रेंड्स के बीच में चल जाती है, ठीक। तो क्या होता है ये चीज़ यूपी में अगर आप जाएंगे तो नहीं होगा, और महाराष्ट्र में क्या होता है ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, ठीक। अब बात आती है साइकोलॉजिकल बैरियर। अच्छा साइकोलॉजिकल बैरियर ज़्यादातर आपके जो होते हैं ह्यूमन माइंड से रिलेटेड, ह्यूमन माइंड की किसी डिफिशेंसी या ह्यूमन माइंड की किसी गलती की वजह से ये बैरियर क्रिएट होते हैं, ठीक है। पहला बैरियर है इमोशन। देखो इमोशन क्या होता है, सबसे बड़ा बैरियर होता है कभी भी कम्युनिकेशन को समझने में, ठीक है। अब होता क्या, सपोज करो ये आपकी गर्लफ्रेंड है और ये हैं आप, ठीक। अब क्या है, गर्लफ्रेंड का आज मूड खराब था तो इसने आपको कह दिया कि भाई मेरे को क्या करना है, ब्रेकअप करना है। आपको तो समझ में नहीं आ रहा कि आपकी गलती क्या थी, भाई क्यों करना है इसको, पर गर्लफ्रेंड ने क्या बोला कि बस मेरा मूड खराब है तो अब करना है तो मतलब करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इमोशन की वजह से कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया जिसमें आपको तो वजह पता भी नहीं है, और आपको तो सिर्फ इतना ही पड़ा कि ब्रेकअप पर क्यों है कि नहीं। तो सिंपल सा फंडा है, इमोशन जो है आपके एक वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर क्रिएट कर देते हैं, किसमें, कम्युनिकेशन में। अब बात करते हैं प्रिजुडिस की। प्रिजुडिस की क्या होती है, हम लोग जो हैं एक नॉर्मल आदमी के बारे में, जैसे हम लोग ए हैं, बी के बारे में हमारा कोई एक ख्याल रहेगा कि भाई मान लो अगर मैं ए हूं तो मैं बी के बारे में जो सोचता हूँ और लोगों को बी को उसी हिसाब से मैं जज भी करूंगा। जैसे मान लो मेरे को लगता है बी बहुत बड़ा चोर है, तो भाई मैं बी जहां मेरे आसपास आएगा, मान लो इधर आसपास कहीं खड़ा दिख गया बी, तो मैं क्या करूंगा, अपना सामान संभाल के रखूंगा, अपने पॉकेट वगैरह बंद कर लूंगा ताकि कुछ गड़बड़ नहीं होने पाए, ठीक है। या मेरे को अगर लगता है कि बी जो है बहुत अच्छा आदमी है तो मैं चाहूंगा कि मेरे पास आए और मेरे साथ रहे, ठीक है। तो ये मेरी प्रिजुडिस है, जरूरी नहीं कि वो सही हो सकता है गलत भी हो, मैं चोर समझ रहा हूँ बहुत अच्छा आदमी है, मैं बहुत अच्छा आदमी समझ रहा हूँ वो चोर हो निकले, ठीक। तो इसलिए प्रिजुडिस अच्छी बात नहीं है और ये बहुत गलत चीज़ है, बट इसकी वजह से आपके कम्युनिकेशन में भी एक बहुत बड़ा बैरियर जो है वो एक क्रिएट हो जाता है, ठीक। अब आगे देखिए हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है, जैसे आप यहाँ फोटो देख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, लोगों की सिर्फ कुछ पार्ट पे ध्यान देने लगते हैं, सब उसकी कभी कभी हम सिर्फ उसकी अच्छाइयों पे ध्यान देते हैं, जब हम अच्छाइयों पे ध्यान देते हैं तो बुराइयाँ हमको नहीं दिखती हैं, और जब हम बुराइयों पे ध्यान देते हैं तो हम उस आदमी कभी अच्छाइयाँ नहीं दिखती। तो हम क्या होता है, अपनी पसंद के हिसाब से कोई एक पार्ट चूज कर लेते हैं दूसरे पर्सन की लाइफ का और उसी पे हम पूरा ध्यान लगा देते हैं, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका हेलो इफेक्ट, ठीक। सेल्फ इमेज और डिफरेंट परसेप्शन, ठीक है। देखो अब होता क्या है, हर आदमी के दिमाग में खुद की एक इमेज बनी होती है, भाई मान लो ए है, उसको अगर लगता है कि वो राजा है कहीं का, तो और बी सी डी नॉर्मल आदमी है या नॉर्मल किसान है, तो वो उससे तमीज से बात नहीं करेगा, सबसे साथ बदतमीजी से बात करेगा, क्यों, क्योंकि उसको तो लगेगा मैं तो राजा हूँ, ये सब तो गरीब है ना, ठीक। तो इसलिए जो सेल्फ इमेज होती है वो हमें कई बार ठीक से कम्युनिकेट करने नहीं देती है, इसलिए हमें सेल्फ इमेज बहुत ही केयरफुली बनानी चाहिए, ठीक है। जब हमारी सेल्फ इमेज केयरफुल होगी तो हम ठीक से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अब इसके बाद आती है बारी क्लोज माइंड की, ठीक है। क्लोज माइंड का मतलब क्या होता है कि मेरा जो दिमाग है वो नए आइडिया अगर तुम भेज रहे हो, ये आपके मान लीजिए न्यू आइडिया है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, मैं रिजेक्ट कर दूंगा, ना मेरे को आइडिया नहीं चाहिए, मेरा जो दिमाग कह रहा है सिर्फ उतना ही सही है, बाकी तुम्हारे प्लान, तुम्हारा आइडिया, तुम्हारी थ्योरी सब गलत है। और मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग जो है क्लोज माइंडेड है, और इस वजह से मैं कुछ सुन भी नहीं रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हो, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है स्टेटस की। स्टेटस का मतलब क्या है कि लोग आदमी खुद को किस तरह समझते हैं, जैसे खुद का स्टेटस समझ जाते हैं, वेल्दी और हाई क्लास और लोअर क्लास के बीच का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, तो लोग वहाँ पर ठीक से बात नहीं करते। जैसे अमीर आदमी जो है गरीब आदमी से ठीक से बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको लगता है मैं तो इसके बहुत ऊपर हूँ, ये तो बहुत गरीब है, मैं इसको अपना टाइम क्यों दूँ, क्यों वेस्ट करूँ, ठीक है। तो इसलिए अमीर आदमी गरीब आदमी से नॉर्मली बात नहीं करेगा स्टेटस की वजह से, ठीक। अब बारी आती है क्रॉस कल्चर बैरियर की। देखो हम इंडिया में रह रहे हैं, अब इंडिया में क्या है कि बहुत तरह के लोग हैं, ठीक। जैसे आप देखो यहाँ पे ये पर्सन आपका हैंडशेक कर रहा है और ये पर्सन आपका विजिटिंग कार्ड दे रहा है, ठीक। यहाँ पे ये पर्सन ट्रेडिशनल तरीके से नमस्ते कर रहा है। तो यहाँ पे क्या इंडिया के साथ बात क्या है कि हम लोग बहुत यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं ना, सेम चीज़ है, हम लोग बहुत अलग अलग तरह के लोगों से मिलकर बने, इसलिए हम लोगों के जो डिफरेंसेस हैं वो हमेशा रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या है कि कई बार ये चीज़ें आपस में कम्युनिकेशन करने में थोड़ी सी तकलीफ दे देती। मान लो भाई कोई एक पर्टिकुलर गांव से बंदा आ रहा है तो वो ड्रेसअप करेगा धोती कुर्ता में, और वो जा करके मेट्रो में बैठना हो उसको, तो उसको कितना अजीब लगेगा कि सब लोग भाई पैंट सूट बूट में बैठे हैं और मैं यहाँ धोती कुर्ता में बैठा हूँ, और जो सूट बूट में है वो किस तरह इसको देखेंगे, ठीक है। तो क्रॉस कल्चर बैरियर ये सिर्फ कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से हम अपने माइंड में एक तरह की इमेज बना लेते हैं, और जो कि एक खुद अपने मन से एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं, ठीक। सबसे ज़रूरी पार्ट बैरियर का क्या? लिसनिंग। हमें जो है किस तरीके से सुनना है बात को। भाई जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, ए जो है बी से कुछ बात कर रहा है तो बी एक ही बात सुन रहा है, ऐसा नहीं कि जवाब पलट के दे रहा है या दिमाग में सुपरमैन बनने की कोशिश कर रहा है, नहीं ना। वो क्या कर रहा है, बात ठीक से सुन रहा है कि ए जो है आपका क्या कहना चाह रहा है, ठीक। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड हो हमारा टुवर्ड्स लर्निंग वो पॉजिटिव होना चाहिए। जो हम नया सीख रहे हैं उसके लिए हम कंसंट्रेट होना चाहिए, हम ऐसा ना हो कि हम सीख ए चीज रहे हैं, दिमाग हमारा बी सी डी में कहीं गांव में खेत में घूम रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉडी पोस्चर, जैसे अगर आपको याद हो तो हम लोग बोलते थे सीधे बैठना चाहिए, आपके पेरेंट्स आज भी बोलते होंगे सीधे बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि बॉडी पोस्चर एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है आपके लाइफ में, ठीक। क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम का मतलब क्या होता है, भाई आपने मान लो ए ने कुछ बोला, बी को वो चीज़ नहीं समझ में आई, बी ने फीडबैक या क्वेश्चन करा और उससे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक। तो सेम चीज़ है कि हम लोगों को टाइम टाइम पे क्वेश्चन करते रहना चाहिए ताकि हमको फीडबैक मिल जाए और जो हम सोच रहे हैं कि ये सही है वो हमें पता चल जाए कि हाँ हम सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। लास्ट पॉइंट है डिसिप्लिन। कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? डिसिप्लिन। भाई जैसे आप मान लो आप NTA नेट का पेपर दे रहे हो तो ज़रूरी कि आप डिसिप्लिन से रेगुलरली, ठीक, डिसिप्लिन में रेगुलर होकर के आप क्या करो, स्टडी करो, तभी आप सक्सेस हो पाओगे, है ना। अगर आप सक्सेस चाहिए तो आपको क्या होना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग। देखो लिसनिंग भी कई तरह की होती है भाई। नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं, ए ने बोला बी ने सुन लिया बस यही होगा ये लिसनिंग, नहीं, वो होती है आपकी हियरिंग। हियरिंग मतलब सिर्फ उसे सुना, लिसन नहीं करा क्या कहना चाह रहा है, ठीक। अब बात करते हैं कंटेंट लिसनिंग। कंटेंट लिसनिंग का मतलब क्या, दिस मैसेज इज इजली अंडरस्टूड एंड प्रिजर्व्ड इन रिटन फॉर्मेट। मतलब क्या है कि जो ए आदमी जो है आपका, भाई ए आपका सेंडर हो गया एंड बी जो है आपका रिसीवर हो गया, तो सेंडर जो है बी को जो कुछ भी भेजना चाह रहा था मैसेज पहुंच गया कंटेंट लिसनिंग, और बी ने क्या करा उसको रिटन मटेरियल को रख करके प्रिजर्व कर लिया, ठीक। अब आती बात एक्टिव लिसनिंग की, ठीक। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है, लिसनिंग एंड क्रिएटिंग न्यू आइडिया इन द माइंड ऑन द सेम सब्जेक्ट। भाई मान लो हम लोगों ने पढ़ा, अभी मान लो NTA नेट के लिए आप कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में पढ़ रहे हो, तो जब आपने बैरियर के बारे में पढ़ा तो आपने अभी पढ़ा और बाद में कोई चीज उसी का एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोचा और वो कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टूड हो गया, ठीक। ये हो जाता है आपका एक्टिव लिसनिंग। अब आ जाता है प्रिटेंडिंग लिसनिंग। देखो ये जब आप क्लास में जाओगे तो ऐसे बहुत बच्चे मिलेंगे जो दिमाग से तो घास छीलने चला गया पर फिजिकली जो है आपकी क्लास में बैठे हैं, भाई। अब ये बच्चे
सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि ये लोग सुन रहे हैं, पर इनका दिमाग तो होता ही नहीं है, तो भाई सुनेंगे कहाँ से, है ना। तो इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि प्रिटेंड लिसनिंग तो नहीं चल रही क्लास में। अगर प्रिटेंड लिसनिंग चल रही होगी तो हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। अब अटेंटिव लिसनिंग, अटेंटिव लिसनिंग, ऑडियंस पेज फुल अटेंशन टू द मैसेज। जो आप मैसेज भेजना चाह रहे हो, पूरा ऑडियंस जो है उस मैसेज में बिल्कुल फोकस लगा के सुन रही है कि क्या कहना चाह रहा है ये बंदा, ठीक। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अटेंटिव लिसनिंग, ठीक। अब इसके बाद आती है बारी किसकी, सेलेक्टिव लिसनिंग की, ठीक ठीक यहाँ पर देखिए सेलेक्टिव लिसनिंग की। सेलेक्टिव लिसनिंग की दिस पार्ट ऑफ द मैसेज पेड अटेंशन एंड अननेसेसरी मैसेज इज इग्नोर। मतलब भाई मान लो ए जो आपका सेंडर है उसने बी को मैसेज भेजा, ठीक। अब बी क्या करेगा, उसको 50% पार्ट काम का दिखा, उसने 50% बात समझी और बाकी 50% को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब जब 50% को इग्नोर कर दिया तो क्या होगा, वो मैसेज हो जाएगा आपका बेकार, ठीक। और जो पार्ट उसको इंटरेस्ट था वो हो जाएगा आपका सेलेक्टिव लिसनिंग का पार्ट, ठीक। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट टाइप ऑफ लिसनिंग, दैट इज क्रिटिकल लिसनिंग, ठीक। क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब क्या होता है, जब मैसेज सुना जा रहा हो तो मैसेज एनालाइज कर रहा हो और जो आपका मैसेज है उसका इवेल्युएशन चल रहा हो, ठीक ठीक। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, हैव अ गुड डे। इन केस कोई पार्ट नहीं समझ में आया, कोई आपकी क्वेरी रह गई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर कर दूंगा टाइम पे, ताकि आपको किसी तरह कोई इशू ना हो। और इन केस आपको अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम हो रही हो, मैं अगर मैसेज मान लीजिए तुरंत नहीं रिप्लाई कर पाता हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पिंग कर दें, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।